हेलो एस पेरेंट्स वेलकम बैक टू व्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तो स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में आज इंग्लिश की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं ई एंड कुछ फ्रेजेस ठीक है तो स्टार्ट करते हैं क्लास को तो फर्स्ट है हमारे पास टू प्ले अप टू प्ले अप का मतलब होता है टू ट्राई टू मेक समथिंग अपेयर मोर इम्पोर्टेंट देन इट इज ठीक है टू प्ले अप का मतलब होता है किसी चीज को जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उसको इम्पोर्टेंट दिखाना ठीक है एक तरह का दिखावा करना उसे हम बोलते हैं टू प्ले अप ठीक है up, अगर आपको इसको एक सेंटेंस में पुट करना है तो आप ऐसे बोल सकते हो शी वॉज प्लेइंग अप हर पास्ट अचीवमेंट ओनली टू इम्प्रेस अस ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास अदर फिश टू फ्लाई ठीक है इसका मतलब होता है मोर इम्पॉर्टेंट वर्क टू अटेंड टू ठीक है कोई और ज़रूरी काम अदर देन कोई दूसरा काम ठीक है किसी दूसरे काम से ज़्यादा जरूरी आपके पास कोई और काम हो उसे बोलते हैं हम अदर फिश टू फ्राई तो अगर आपको इसको एक एग्जाम्पल में पुट करना है तो आप ऐसे बोल सकते हो यू गाइज जस्ट कैरी ऑन आई हैव अदर फिश टू फ्राई ठीक है हमारे पास नेक एंड क्रॉप नेक एंड क्रॉप का मतलब होता है कंप्लीटली ठीक है अगर आपको इसको एक सेंटेंस में पुट करना है तो आप कैसे बोल सकते हो द फ्लड हैज डिस्टिटेटेड द एंटायर टाउन नेक एंड क्रॉप ठीक है कंप्लीटली जो है क्या कर दिया उसे तबाह कर दिया ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास गिफ्ट ऑफ द जैब गिफ्ट ऑफ द जैब होता है पावर ऑफ टॉकिंग ठीक है जो एक अच्छा बोल सके उसे हम बोल देंगे कि उसके पास क्या है गिफ्ट ऑफ द जैब है ठीक है पावर ऑफ टॉकिंग है ठीक है एग्जाम्पल इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द गिफ्ट ऑफ द जैब डैट इज ही वॉज एबल टू विन द इलेक्शंस ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास हार्ट टू हार्ट हार्ट टू हर्ट का मतलब होता है फ्रेंक और एकदम फ्री ठीक है फ्रेंक कैन फ्री ठीक है तो आप इसको एग्जाम्पल में अगर पुट करना है तो कैसे बोल सकते हो लेट जस्ट हैव अ हार्ट टू हार्ट टॉक ठीक है एक फ्रैंक और फ्री टॉक जो है वो करते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास नॉट क्रिकेट नॉट क्रिकेट का मतलब होता है अनफेयर ठीक है अगर आपको इसको एक सेंटेंस में पुट करना है तो आप कैसे बोल सकते हो चीटिंग इन एग्जाम्स इज नॉट क्रिकेट ठीक है क्या है वो चीटिंग करना एग्जाम्स में क्या है बिल्कुल अनफेयर है ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास टू टेक फ्रेंच लीव टू टेक फ्रेंच लीव का मतलब होता है टू टेक लीव विदाउट परमिशन और इन्फॉर्मेशन ठीक है बिना बताए जो है आप लीव पे जा रहे हो ऑफ अपने ऑफिस से तो उसे हम बोल सकते हैं टू टेक फ्रेंच लीव ठीक है आपको इसको एक सेंटेंस में पुट करना है तो आप कैसे पुट कर सकते हो द बॉस विल गेट एंग्री वेन ही नो डेट रमेश हैज टेकन द फ्रेंच लीव ठीक है हमारे पास स्मॉल फ्राई स्मॉल फ्राई का मतलब होता है ऑर्डिनरी बिल्कुल साधारण ठीक है तो आप उसको एग्जाम्पल पुट कर सकते हो जैसे नो बडी इन टू डेज वर्ड्स केयर्स फॉर स्मॉल फ्राइज ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास अरेड लेटर डे अरेड लेटर डे का मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन ठीक है फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंस डे इज अ रेड लेटर डे इन इंडिया ठीक है अब ये जो है हमारे पास कुछ फ्रेजेस है ठीक है रन थ्रू गिवन टू डन टू डैट वर्क ऑन सेटअप आर्ट ठीक है तो जो फ्रेजेस होते हैं वो आपको आपके पैसेज में मिल जाते हैं जब आप आरसी आती है आपको एग्जाम में उसमें आपको मिल जाते हैं तो आपको जो है फ्रेजेस के मतलब भी पता होने चाहिए ठीक है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपका एस बी में आता ही आता है ये और एस का तो फेवरेट है फ्रेजेज वो डालता ही डालता है ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास रन थ्रू रन थ्रू का मतलब होता है वेस्ट ठीक है वेस्ट करना किसी चीज को बर्बाद करना ठीक है तो अगर आपको एग्जाम्पल में पुट करना है तो आप कैसे बोल सकते हो डोंट रन थ्रू योर सेविंग्स ठीक है अपनी सेविंग्स को जो है क्या ना करो बर्बाद ना करो ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास गिवन टू गिवन टू का मतलब होता है एडिक्टिव ठीक है किसी चीज की आदत हो जाना किसी चीज की बुरी तरह से आदत जो होती है उसे हम बोलते हैं एडिक्शन ठीक है तो गिवन टू का मतलब होता है एडिक्टेड तो अगर आपको इसको एक सेंटेंस में पुट करना है तो आप कैसे बोल सकते हो माई अंकल इज गिवन टू ड्रिंकिंग ठीक है तो इसका क्या मतलब हुआ की माई अंकल इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग ठीक है गिवन टू का मतलब होता है एडिक्टेड फिर हमारे पास डर्न टू डेथ ठीक है इसका मतलब क्या होता है मर्डर किसी का मर्डर कर देना ठीक है तो अगर आपको इसको एक सेंटेंस में पुट करना है तो आप ऐसे पुट कर सकते हो माई नेबर वॉज डन टू दैट बाय द बाई ठीक है जो डकैर थे उनके कारण जो है मेरे नेबर क्या हो गया उसका मर्डर हो गया ठीक है उन्होंने उसका मर्डर कर दिया ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास वर्क ऑन वर्क ऑन का मतलब होता है इन्फ्लुएंस ठीक है तो आप उसको एग्जाम्पल में पुट करना है तो आप कैसे बोल सकते हो वी हैव ट्राइड आर लेवल बेस्ट बट नथिंग वुड वर्क ऑन हिम ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास सेटअप आर्ट सेटअप आर्ट का मतलब होता है रिजर्व ठीक है सेटअप आर्ट हमारे पास एक फ्रेज है और इस फ्रेज का मतलब होता है रिजर्व एग्जाम्पल अगर आपको इसको एक एग्जाम्पल में पुट करना है तो आप ऐसे बोल सकते हो दिस सीट्स आर सेट अप आर्ट फॉर दी एल्डर पीपल ठीक है बुढ़े लोगों के लिए जो है ये क्या सीट क्या की गई है रिजर्व की गई है ठीक है आपको कहीं पे रिजर्व का यूज करना है तो उसकी जगह जो है आप सेट अपार्ट यूज करोगे तो ज्यादा फॉर्मल लगेगा ठीक है आज मॉडर्न इंग्लिश में जो है फ्रेजेस का यूज जो है बहुत ज्यादा होता है तो रिजर्व की जगह आप सेट अपार्ट बोल सकते हो इन्फ्लुएंस की जगह आप वर्क ऑन बोल सकते हो ठीक है मर्डर की जगह आप डन टू डेथ बोल सकते हो ठीक है तो भाई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कल आपको मैंने फिल इन द ब्लैंक्स करवाए थे तो उसमें जो मैंने आपको एक ब्लैंक करवाया था उसमें मुझसे एक गलती हो गई थी तो वो गलती मुझे किसी ने बताई है कमेंट करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं पे गलती हुई है मुझसे तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बताया कीजिए तो मैं आपके डाउट्स वगैरह जो है वो सब क्लियर कर दूंगी यदि सबसे हो जाती है तो अगर आप बताएंगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा ठीक है तो हमारे पास है ही हैड टू पे अ हैवी डैश फॉर हिज मिस्टेक्स ठीक है तो ये आपके पास ब्लैंक था ठीक है ऑप्शन थे आपके प्राइस रेट रैंक एंड टाइम एंड फाइन सॉरी यहां फाइन एंड फाइन ठीक है फाइन था यहां पे प्राइस रेट रैंक फाइन ठीक है तो यहाँ पे क्या है ही हैड टू पे अ हैवी डैश फॉर हिज मिस्टेक्स ठीक है तो मैंने आपको आंसर बोला था ही हैड टू पे अ हैवी फाइन फॉर हिज मिस्टेक्स ठीक है फाइन किस चीज़ का लगता है अगर हम कोई रूल ब्रेक कर रहे हैं ठीक है मान लीजिए आप बाइक पे जा रहे हो आपने हेलमेट नहीं पहना है उसकी पेनल्टी आपको जो लगेगी वो क्या है आपका फाइन है ठीक है आप स्कूल नहीं आ रहे हो अटेंडेंस आपकी शॉर्ट है उसका क्या लगेगा आपको फाइन लगेगा ठीक है तो फाइन का यूज हम उस केस में करते हैं ठीक है थीके? यहाँ पे होगा हमारे पास रेट नहीं होगा रैंक नहीं होगा ठीक है प्राइस यहाँ क्यों होगा प्राइस होता है किसी चीज़ की कीमत चुकाना ठीक है प्राइस का यूज आप गुड्स और कॉमोडिटीज के लिए भी करते हो प्राइस का यूज आप इस तरह से भी करते हो कि अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा ठीक उस है उसके उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तो उस केस में भी आप प्राइस का यूज करते हो ठीक है तो यहाँ प्राइस जो है आपका अप्रोप्रिएट आंसर होना था ही हैड टू पे हैवी प्राइस फॉर हिज मिस्टेक ठीक है तो प्राइस जो है वो आपका आंसर होना था ठीक है तो आज की क्लास में हमने पढ़े ईडियंस एंड फ्रेजेस तो आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड इसमें अगर आपको कोई गलती लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते जो है ज़्यादा ध्यान नहीं रहता गलती हो जाती है ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो